हे गाइज व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू शैलेश एडिटिंग जोन। आज की इस वाले वीडियो में हम कुछ इस टाइप की फोटो एडिटिंग करने वाले हैं जो देखने में काफ़ी औसम सी लग रही है, और इस फोटो को हम लोग 4 स्टेप में एडिट करने वाले हैं। तो इस वीडियो में पूरा मजा आने वाला है। अभी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो भी बैकग्राउंड PNG का यूज होगा उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस वाले वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। हाँ तो गाइज सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, अपनी स्नैपसीड ऐप को ओपन कर लेंगे। देन गाइज ओपन कर लेने के बाद आप लोगों के सामने कुछ इस टाइप की इंटरफेस देखने को मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम इस प्लस वाली आइकन पर क्लिक कर देंगे, और क्लिक कर देने के बाद आपको जिस भी फ़ोटो को एडिट करना होगा यहाँ से सिंपली आप लोग ले लेंगे। जैसे कि गाइज मुझे इस वाली फ़ोटो को एडिट करना है, तो मैं इस वाली फ़ोटो को यहाँ से ले लिया हूँ। और लेने के बाद आपको साइड में 3 ऑप्शन मिल जाएंगे, तो आपको सिंपली यहाँ से पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक कर देना होगा। और क्लिक कर देने के बाद आपको यहाँ से ऊपर ऐसे आना होगा, और ऊपर आने के बाद आप लोगों के सामने एक भिन टैग का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे। और क्लिक कर देने के बाद आपको यहाँ से लास्ट में 12 नंबर का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे। और क्लिक कर देने के बाद आपको ऐसे नीचे आना है, आपको यहाँ पे सेचुएशन का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इसको हम लोग माइनस 100 कर देंगे। देन गाइस इतना कर देने के बाद आपको यहाँ से राइट पे क्लिक कर देंगे, और क्लिक कर देने के बाद आपको क्या करना है, ऊपर साइड में इस क्रॉस तीर के आइकन पे हम लोग क्लिक कर देंगे, व्यू एडिट पे क्लिक करेंगे, भिनटैग पे क्लिक करके यहाँ से हम लोग ब्रश को ले लेंगे। ब्रश को लेने के बाद आपको इस कोने में इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा, और यहाँ से आपकी साइज जो है 0 हो जाएगी। देन गाइज अपनी फ़ोटो को कुछ इस टाइप से आपको जूम करके और अपनी स्किन से इस इफेक्ट को ऐसे रिमूव कर लेंगे। देन गाइज आपको ऐसे अपनी फ़ोटो से अपनी स्किन से इस इफेक्ट को हटा लेने के बाद आपको यहाँ से राइट पे क्लिक कर देना होगा, और क्लिक कर देने के बाद आपको यहाँ से बैक हो जाना होगा। और बैक हो जाने के बाद आपकी फ़ोटो जो है कुछ इस टाइप से दिखने लगेगी। तो आप लोगों का जो पहला स्टेप था वो कम्प्लीट हो चुका है। तो सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करने वाले हैं, आप लोग देख सकते हैं अपने बैकग्राउंड में हम लोग हल्का सा ब्लर डालेंगे, ब्लर इफेक्ट। तो उसको डालने के लिए हम लोग इस पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक कर देंगे, और ऐसे ऊपर आएंगे, और ऊपर आने के बाद आप लोगों के सामने एक लेंस ब्लर का ऑप्शन मिल जाएगा, जिस पर हम लोग क्लिक कर देंगे। और क्लिक करते ही आपके सामने नीचे साइड में 3 ऑप्शन मिल जाएंगे, तो हम लोग इस वाली ऑप्शन पे पहले नंबर पे क्लिक कर देंगे, और ऐसे क्लिक करके इसे हम लोग ऐसे छोटा कर लेंगे। और छोटा कर लेने के बाद आपको इसकी ब्लर स्ट्रेंथ को हम लोग 50 कर देंगे, 44 करके, और इसी सेकेंड वाले नंबर को ऐसे हम लोग कम करेंगे कुछ इस टाइप से। देन गाइज आप लोगों को इतना कर देने के बाद आपको यहाँ से राइट पे क्लिक कर देंगे, और क्लिक कर देने के बाद आपकी फ़ोटो कुछ इस टाइप से दिखने लगेगी। इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, ऊपर साइड में इस क्रॉस तीर के आइकन पे क्लिक कर देंगे, व्यू एडिट पे क्लिक करेंगे, लेंस ब्लर पे क्लिक करके यहाँ से हम लोग ब्रश को ले लेंगे। देन गाइज ब्रश को लेने के बाद आपको इस वाले आइकन पे क्लिक करना होगा, और साइज को यहाँ से अपने हिसाब से 0 कर देंगे, और अपनी फ़ोटो को जूम करके कुछ इस टाइप से आपको ऐसे इरेज कर देना होगा जो भी आपके बॉडी पे ब्लर इफेक्ट आया है। देन गाइज आपको ऐसे इफेक्ट को हटा लेने के बाद आपको यहाँ से राइट पे क्लिक कर देना होगा, और क्लिक कर देने के बाद आपको यहाँ से बैक हो जाना होगा। तो आपका जो है सेकेंड स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। तो थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करने वाले हैं, एक वॉच की PNG को हम लोग ऐड करने वाले हैं। तो उसको ऐड करने के लिए हम लोग इस पेंसिल पर क्लिक कर देंगे, और क्लिक कर देने के बाद आपको यहाँ पर नीचे साइड में डबल एक्सपोजर का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, और आपकी गैलरी जो है ओपन हो जाएगी। देन गाइज आपको इस PNG को लेने के बाद आपको नीचे साइड में 3 ऑप्शन में से जो बीच वाला ऑप्शन है इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे, और क्लिक कर देने के बाद आप लोग यहां से ऐड कर दीजिएगा। और ऐड कर देने के बाद आपको यहां से राइट पर क्लिक कर देना होगा, और क्लिक कर देने के बाद आपको जो भी आपके बॉडी पर ये इफेक्ट आया इसको हम लोग हटा लेंगे।
तो इसको हटाने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, इस क्रॉस तीर के आइकन पर क्लिक करेंगे, व्यू एडिट पर क्लिक कर देंगे, डबल एक्सपोजर पर क्लिक करके यहाँ से हम लोग ब्रश को ले लेंगे। देन गाइस ब्रश को लेने के बाद इस वाले आइकन पर क्लिक करके साइज आपका 0 हो जाएगा और कुछ इस टाइप से आपको यहाँ से ऐसे रिमूव कर लेना है। देन गाइस आपको इतना रिमूव कर देने के बाद आपको यहाँ से राइट पर क्लिक कर देना होगा और यहाँ से बैक हो जाना होगा। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं आपकी फ़ोटो कुछ इस टाइप से दिख रही है। तो अगले स्टेप में हम लोग क्या करने वाले हैं, सिंपली इस पेंसिल पर क्लिक कर देंगे और क्लिक कर देने के बाद आपको ऐसे ऊपर आना होगा और ऊपर आने के बाद आप लोगों के सामने वाइट बैलेंस का ऑप्शन मिल जाएगा। तो इस पर हम लोग क्लिक करेंगे और इस क्लिक कर देने के बाद इसकी टेम्परेचर को हम लोग -30 कर देंगे और इसकी टिंट को हम लोग +5 कर देंगे। और इतना सारा सेटिंग कर लेने के बाद आपको यहाँ से राइट पर क्लिक कर देना होगा और क्लिक कर देने के बाद आपकी फ़ोटो कुछ इस टाइप से दिखने लगेगी। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, लास्ट स्टेप में अपनी फ़ोटो को इस तीर वाले आइकन पर क्लिक करके यहाँ से शेयर कर लेंगे लाइटरूम मोबाइल में। यहाँ से हम लोग लाइटरूम मोबाइल में इस फ़ोटो को शेयर कर लेते हैं और कर लेने के बाद आपको ऊपर से ऐसे स्क्रॉल करना होगा और यहाँ पे आपको एक लाइटरूम का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे और क्लिक करते ही आपकी फ़ोटो जो है लाइटरूम में आ चुकी है। तो ऑल फोटो में हम लोग क्लिक कर देंगे और क्लिक कर देने के बाद आपको एक प्रीसेट को डाउनलोड कर लेना है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जाके इस प्रीसेट को आप लोग इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस प्रीसेट को ओपन कर लेने के बाद आपको कोने साइड में इस 3 डॉट के आइकन पर क्लिक कर देना होगा और यहाँ से आपको कॉपी सेटिंग कर देंगे। जैसे ही गाइज आप कॉपी सेटिंग करेंगे आपको कोने साइड में इस राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा और आपकी जो है ये प्रीसेट कॉपी हो चुकी है। इसके बाद हम लोग अपनी इस वाली फ़ोटो को लेंगे और लेने के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, फिर से इस 3 डॉट की आइकन पर हम लोग क्लिक करेंगे और इस बार हम लोग क्या करेंगे, पेस्ट सेटिंग करेंगे। तो हम लोग सिंपली यहाँ से पेस्ट सेटिंग कर देते हैं। देन गाइज अब जैसे ही पेस्ट सेटिंग करेंगे आप लोग फ़ोटो देख सकते हैं कितना औसम तरीके से एडिट हो चुका है। थोड़ा सा इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, मॉडिफाई करेंगे इसको। तो हम सिंपली यहाँ से कलर्स वाले आइकन पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से हम लोग इसकी सिचुएशन को ऐसे इंक्रीज कर लेंगे और इसकी वाइब्रेंस को भी हम लोग थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे। जैसे ही गाइज आप ऐसे इंक्रीज करेंगे आप लोग देख सकते हैं आपकी फ़ोटो कितना औसम तरीके से एडिट हो चुका है, जो देखने में काफ़ी औसम सी लग रही है। और काफ़ी इजीली स्टेप में हम लोग इस टाइप की फ़ोटो एडिटिंग कर दिए हैं। और इस फ़ोटो को सेव करने के लिए आप लोग क्या करना होगा, इस शेयर वाले आइकन पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से हम लोग सेव टू डिवाइस कर देंगे और हमारी फ़ोटो गैलरी में सेव हो जाएगी। आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम।